व्यूअर्स, आज हम आपको पाइथन में क्विज दे रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और आप अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम तो हैं ही, आपको सॉल्व करके उसका आंसर बताएंगे। सो वन बाय वन स्टार्ट एंड प्रोसेस द प्रोग्राम एंड गेट द आंसर। सो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है लैम्डा फंक्शन पे। जब हम लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो उसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू लैम्डा p कोलन p इंटू टू दिया हुआ है। जब x इज इक्वल टू टू हम करते हैं तो 2 इंटू टू इक्वल्स टू 4 आता है। ये देखिए 4 आ गया। जब हम लैम्डा फंक्शन t बनाते हैं तो p इंटू 3 होता है, तो x में क्योंकि 4 हो चुका है तो x इज इक्वल टू डी एक्स दिया था ना, तो 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू टी एक्स जब हम करेंगे तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने दिया x इज इक्वल टू फिर डी एक्स। अब x में हमारा 12 हो चुका है, और जब हम फिर देंगे x इज इक्वल टू डी एक्स तो 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What will be the output of list A? A का list का क्या output होगा? जब हम लिखते हैं print value of list for A minus 1 in A, minus 1 position पे A की क्या value होगी? Print A minus 1। तो जब हम इसको run करते हैं तो ये value देगा हमें 0, 1, 2, 2। जबकि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है, तो माइनस 1 जब हम कह देंगे तो लास्ट टाइम में वो जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा, पीछे से एक छोड़कर रीड करना शुरू करेगा। तो आउटपुट कहाँ तक जाएगा, 0, 1, 2, और फिर उसके बाद माइनस 1 दिया हुआ है तो वो फिर से 2 ही प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है तो वो क्या आएगा? तो अभी क्वेश्चन में वो पूछ रहा होगा कि एंटर नंबर, तो n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर जब हमने कहा तो कोई नंबर देंगे। सपोज हमने यहाँ पर 5 दे दिया, जब हम 5 देंगे तो वो क्या करेगा, आउटपुट देगा 120 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या करेगा, I in range 1 n plus 1। अब n क्या है हमारा, 5 है। फैक्टोरियल में पहली वैल्यू क्या है, 1 है। 1 क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है, और अगर आप 1 नहीं लीजिएगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो I in range 1 कॉमा n plus 1 जब हमने किया तो वो 6 तक लेगा रेंज और फैक्टोरियल निकालेगा। तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इन टू I, तो उसने पहली वैल्यू 1 ली फिर 2 ली, दूसरी वैल्यू लेगा ना दूसरे टाइम पे तो 2 ली, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लेगा और उसको प्रिंट कर देगा तो 120 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू क्या होगी। B इक्वल्स टू 1 है फर्स्ट टाइम फॉर रे A in range 1, 10, 3। अब यहाँ 1, 10 क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे ख़त्म हो रहा है, और 3 का स्टेप है, मतलब हर बार A में 3 जुड़ जाएगा। और फिर यहाँ पे दिया हुआ B equals to plus equal A plus 1, तो एक और ऐड हो जाएगा। तो B की वैल्यू हर बार 4 वैल्यू से इंक्रीज हो रही है। नाउ प्रिंट A कॉमा B। अब हमने आपको दोनों वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है उसको क्लियर बताने के लिए आपको ए और बी दोनों प्रिंट किया है। तो यहाँ पे देखिए जब पहली बार बी की वैल्यू 1 है तो बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 करेगा, बी इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस 1 करेगा। तो ए में पहली बार वैल्यू 1 आई और बी की वैल्यू पहले से 1 थी, तो बी में B ऐड हुआ और प्लस A ऐड हुआ और प्लस
वन ऐड हुआ तो ये थ्री हो जाएगी। अब जब बी की वैल्यू थ्री हो गई, बी की वैल्यू फोर हो गई, वन हुआ और बी हुआ, थ्री हुआ प्लस वन हुआ तो फोर हो गई, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू फोर हो गई। नेक्स्ट टाइम के लिए बी की वैल्यू थ्री थी, अब ए की वैल्यू फोर हो गई। फोर क्यों हुई, वन में जब थ्री स्टेप का जुड़ा तो वैल्यू फोर हो गई, तो ए में वन में थ्री जुड़ा तो फोर हो गया, यहाँ पे थ्री में आपका फोर जुड़ा प्लस वन जुड़ा तो एट हो गया। अब यहाँ पर फोर में फिर थ्री जुड़ा तो सेवन हो गया, और सेवन में वन जुड़ा तो एट हो गया, और पहले सो एट जो था उसमें एट जुड़ेगा तो सिक्सटीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रिंट वैल्यू भी एटीन कर सिक्सटीन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ट्रू और फॉल्स, इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। एक्स इजकल टू टू द पावर थ्री है और एक्स इजकल टू टू द पावर थ्री पॉइंट जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बाय डिफॉल्ट पॉइंट जीरो को वो छोड़ देगा और क्या करेगा, 3.0 इक्वल्स टू 3 ही लेगा और वैल्यू आपकी ट्रू आएगी। इसको देखें, इसकी वैल्यू ट्रू आ गई। नेक्स्ट टाइम है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई विद इन द लूप, लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या होगी। आई इक्वल्स टू 0 है व्हाइल आई इक्वल्स टू लेस देन 5, प्रिंट आई एंड स्पेस I plus equals to 1. I plus equals to 1 मतलब होता है I equals to I plus 1, और अगर I की वैल्यू 3 है तो लूप ब्रेक हो जाए। तो देखिए, सपोज टाइम I की वैल्यू 0 थी, I की वैल्यू 0 थी तो वो प्रिंट I में 0 प्रिंट कर देता है, एंड में स्पेस जोड़ देता है, ये स्पेस आ गई आपकी, फिर i इक्वल्स टू i प्लस 1 किया तो 0 प्लस 1 1 हो गया। अब i इक्वल्स टू फिर ऊपर गया, i में 1 फिर ऐड किया तो 2 हो गया, और जैसे ही 3 होगा वो बाहर निकल आएगा, तो आउटपुट हमारा 0 1 और 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर ये नहीं होता है तो प्रिंट 0 करे, मतलब i में कोई वैल्यू नहीं है अगर तो वो जीरो कर दे, या आई में 5 से बड़ी वैल्यू है तो वो जीरो कर दे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, अब हमें एक लिस्ट दी गई है जिसकी वैल्यू 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो अब उसने क्या किया, L2 इक्वल्स टू L1, दैट मीन्स कि L1 लिस्ट की वैल्यू L2 में चली गई। फिर L3 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी, अब L3 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी मतलब क्या हुआ कि L1 को कॉपी करके L3 में उसने डाल दिया। L4 इक्वल्स टू लिस्ट 1 मतलब सेम है कि L4 में भी उसने L1 को डाल दिया। अब L1 0 इक्वल्स टू 7 दैट मीन्स कि वो फर्स्ट वैल्यू को L1 0 में 7 कर दे रहा है। प्रिंट आउटपुट ऑफ द मैनिपुलेटेड लिस्ट, अब उस लिस्ट का L1 L2 L3 4 क्या होगा, तो L1 में हमारी 1 2 3 थी, L2 में हमारी L1 कॉपी हो गई थी, असाइन हो गई थी, L3 में L1 कॉपी हो गई है मतलब 1 2 3 है, और L4 में लिस्ट L1 है मतलब 1 2 3 है। तो आउटपुट क्या होगा इसका, ये देखिए, पहले दूसरे में तो क्योंकि ये कॉपी कर रहा है तो पहले दूसरे में पहली पोजीशन पे 7 हो जाएगा, अदरवाइज ऑन दोनों में, पहले में L1 डाल रहा है लेकिन यहाँ पे कॉपी कर रहा है दोनों में, तो L3 में तो 1 2 3 होगा और L4 में भी 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 होगा, लेकिन L1 L2 में फर्स्ट पोजीशन पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ S, S की वैल्यू क्या होगी जब हमको दिया है डेल S1 कोलन 4। जब भी डेल S1 कोलन 4 दिया होता है दैट मीन्स है कि फर्स्ट पोजीशन से फोर्थ पोजीशन तक वो डिलीट कर दे, तो वो क्या करेगा, 0 से क्योंकि पोजीशन स्टार्ट होती है 2 2 4 तक वो डिलीट कर देगा और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 1 5 6,
ये देखिए लिस्ट आफ्टर डिलीट वैल्यू आर 156। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम इक्वल्स टू अमित स्ट्रिंग हेलो माय नेम इज, अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो भी वो नेम अमित प्रिंट करेगा और उसको फॉर्मेट कर देते हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट नेम, तो वो नेम की जगह पर अमित प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये देखिए अमित प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले में D1 इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50, दूसरे में D2 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों लिस्ट जो होगी वो ऐड हो जाएगी। ये देखिए दोनों लिस्ट जो है ऐड हो जाएगी, लेकिन अब हम जब इसको माइनस कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप करके देखिए इसको, ये देखिए अब कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर माइनस दो लिस्ट को हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्लस करेंगे तो वो दोनों लिस्ट जुड़ जाएगी। तो दैट मीन्स कि हम लिस्ट को ऐड तो कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। बी ए में 2 है, बी में 1 है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी है, प्रिंट ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 1, ए प्लस इक्वल्स टू बी। हमने जैसा आपको बताया कि जब प्लस आगे लगा होता तो मतलब जो वेरिएबल लेफ्ट में है उसी में दूसरा वेरिएबल जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो जुड़ता है। तो ये देखिए a इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखिए या a प्लस इक्वल्स टू बी लिखिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि a प्लस बी इक्वल्स टू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। x इज इक्वल टू डे संडे वीक 10। अब डे कौन सा है, संडे है, और वीक कौन सा है, 10। फॉर i इन x आइटम प्रिंट i एंड स्पेस। अब ये क्या करेगा, आपका एक एक करके दोनों आइटम को प्रिंट कर देगा, डे संडे वीक 10। तो देखिए अलग कर दिया ना उसने, दो सेट बना दिया उसने, एक डे का बना दिया और एक वीक का बना दिया। तो सेट के अंदर आपका कौन कौन सा आइटम है, डे है और वीक है। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको क्विज में देते रहेंगे, उसको सॉल्व भी कर देंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और जो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हेल्पफुल हो और आप कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाइए। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, Instagram and Facebook, and there are so many social media which I am following. You also follow me on those social media. Thank you, viewers.